इंसान मुझे सिर्फ सौरभ जोशी से नहीं, आपसे भी बहुत ज्यादा प्यार है। और कितना प्यार है ना, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सो जस्ट वेट एंड वॉच। और जो आप बोल रहे हैं कि मैं नाम नहीं लूंगा, तो नाम लेने की आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सबको ऑलरेडी पता चल गया कि आप और जहां तक फुटेज देने की बात हो रही है, तो मेरे हिसाब से मुझे जरूरत नहीं है किसी से भी फुटेज लेने की। अगर मुझे जरूरत होती तो मैं सामने से आके बोलती कि मेरे ऊपर वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। मैं कभी किसी को नहीं बोलती। ऊपर से मुझे गुस्सा आ रहा था जब बड़े बड़े क्रिएटर्स मेरे खिलाफ वीडियो बनाते हैं, तो मुझे ये फुटेज वाली बात बोलना मत। और फुटेज की जरूरत आपको है तभी आप मेरे खिलाफ अपने चैनल पे वीडियो बना रहे हैं। और आपने वीडियो बनाने की यहाँ पे सारी बातों की शुरुआत करी है, इसलिए मैं आपके अगेंस्ट बोल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, अपनी आज की ये वीडियो मैं बना रही हूँ दो बहुत ही ज्यादा घमंडी यूट्यूबर्स को फाइनल रिप्लाई करने के लिए। समझ गए होंगे कि मैं किन दो घमंडी यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ। मैं उनके नाम बता देना चाहूंगी। पहले का नाम है ट्रिगर्ड इंसान और दूसरे का नाम है सौरभ जोशी ब्लॉग्स। तो इन दोनों घमंडी यूट्यूबर्स को आज की वीडियो अच्छे से मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। सो सौरभ जोशी के बारे में गाइस आप लोगों ने सुना होगा, काफी लोग वीडियोस बनाते रहते हैं कि भाई सौरभ जोशी एटीट्यूड किंग है, उनमें बहुत ज्यादा घमंड है। लेकिन ट्रिगर्ड इंसान को कभी कोई एटीट्यूड किंग नहीं बोलता है। बट मैं आपको बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिगर्ड इंसान सौरभ जोशी से भी ज्यादा घमंडी है। सौरभ जोशी को एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हैं कि भाई चलो सौरभ जोशी छोटे बच्चे हैं। 22 साल की उम्र में लड़के को छोटा बच्चा ही समझा जाता है कि छोटा है, उसमें उतना दिमाग नहीं है। लेकिन